हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर वैशाली गुप्ता। इंडियन डॉक्टर चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन के बारे में। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन अब हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल हो चुकी है, यानी कि रूटीन इम्यूनाइजेशन में अब ये गवर्नमेंट द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जा सकती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यूमोकोकल वैक्सीन क्यों लेनी चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, इसके डोसेज शेड्यूल को डिस्कस करेंगे, और न्यूमोकोकल वैक्सीन लेते आते समय सेंटर में आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। न्यूमोकोकल वैक्सीन बच्चों को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया से जो भी बीमारियां होती हैं उससे बचाव देती है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया काफी बीमारियां करता है, जैसे कि न्यूमोकोकल निमोनिया, मेनिनजाइटिस जिसे हम दिमागी बुखार भी कहते हैं, सेप्टिसीमिया यानी कि खून का इंफेक्शन, ओटाइटिस यानी कान का इंफेक्शन, साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस इत्यादि इंफेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया जो होता है वो खांसने या छींकने के दौरान रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से एक दूसरे को फैलता है और यही सारी बीमारियां कराता है। न्यूमोकोकल निमोनिया 5 साल से छोटे बच्चों में अधिकतर देखा जाता है और इसी कारण इन बच्चों को हॉस्पिटलाइज करने की भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने बच्चे को न्यूमोकोकल वैक्सीन प्रोवाइड कराएं और इन सब बीमारियों से उन्हें सुरक्षित करें। आइए बात करते हैं कि किन बच्चों में ये वैक्सीन अन्य बच्चों की तुलना में और अधिक महत्वपूर्ण है। जो बच्चे माँ के दूध से वंचित रहे हैं, यानी कि जिन्हें माँ का दूध प्राप्त नहीं हुआ है, जो बच्चे कुपोषण का शिकार हुए हैं, जो बच्चे ऐसे घर में रहते हैं जहाँ छोटे स्पेस में बहुत सारे व्यक्ति उनके साथ रहते हैं, यानी कि ओवर क्राउडिंग हो रही है उन बच्चों के लिए, जो बच्चे धूल धुआं जैसे एरिया में रहते हैं जहाँ धूल धुआं ज्यादा रहता है, उन बच्चों में भी यह ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे पहले ही इन्फ्लुएंजा या रेस्पिरेटरी वायरस के इन्फेक्शन से ग्रसित हो चुके हैं उन बच्चों के लिए भी ये निमोनिया वैक्सीन अन्य की तुलना में ज्यादा आवश्यक है। अब हम कुछ बीमारियां डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर बच्चों को ये बीमारियां हैं उनके लिए भी ये वैक्सीन बहुत जरूरी है। जैसे कि जो बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, यानी कि जिन्हें HIV इंफेक्शन है, जिन्हें सिकल सेल एनीमिया है, जिन्हें किडनी की बीमारी है जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इन सब बीमारियों में भी वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। तो आइए अब बात करते हैं कि किन बच्चों में ये वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। पहला, अगर पहली डोज लेने के दौरान कोई रिएक्शन हुआ है तो दूसरी डोज ना ले। जिन बच्चों को डिप्थीरिया टॉक्सॉइड वैक्सीन से कभी रिएक्शन हुआ है वो भी ये वैक्सीन ना ले। जो बच्चे इस समय बीमार हैं उनके लिए वैक्सीन डिले किया जा सकता है, कंडीशन इम्प्रूव होने पर वो तुरंत वैक्सीन ले सकते। आइए अब बात करते हैं न्यूमोकोकल वैक्सीन के डोसेज एंड शेड्यूल के बारे में। न्यूमोकोकल वैक्सीन फिलहाल 2 वैक्सीन न्यूमोकोकल के लिए अवेलेबल है, PCV10 एंड PCV13। दोनों ही वो सेरोटाइप कवर करती हैं जिनके वजह से निमोनिया होता है, तो दोनों ही वैक्सीन गवर्नमेंट द्वारा रूटीन इम्यूनाइजेशन में अवेलेबल है, आप कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये दोनों ही वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में काफी एक्सपेंसिव है, इनकी कॉस्ट जो है वो 3,000 रूपए से अधिक है। जब ये आपको गवर्नमेंट द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि आप आइए और गवर्नमेंट सेक्टर में अपना फ्री इम्यूनाइजेशन इस वैक्सीन से करवाइए। PCV वैक्सीन 3 डोसेज में दिया जाता है। पहला वैक्सीन 6 हफ्ते पर लगता है, दूसरा वैक्सीन 14 हफ्ते पर लगता है और तीसरा बूस्टर वैक्सीन 9 महीने पर लगाया जाता है। यह वैक्सीन बच्चे की राइट थाई में इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है। जिन बच्चों का वैक्सीनेशन डिले हो चुका है वो बच्चे ये वैक्सीन ले सकते हैं। 1 साल के अंदर 8 हफ्तों का गैप बनाए रखना है पहली और दूसरी डोज में, और अगर किसी कारणवश वो ये वैक्सीन पहले साल में नहीं ले पाए हैं तो अगर एक भी डोज उन्होंने अपने पहले जन्मदिवस से पहले लिया है तो अन्य 2 डोज दूसरे साल में ले सकते हैं। PCV एक नया वैक्सीन नहीं है, ये पहले भी 146 कंट्रीज में रूटीन इम्यूनाइजेशन में दिया जा रहा था। 2017 में इंडिया में भी ये फेस पैलर में स्टार्ट हो गया था और अब ये सभी को रूटीन इम्यूनाइजेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन रिकमेंड करता है कि न्यूमोकोकल वैक्सीन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट बनाया जाए।
इस वैक्सीन द्वारा सीवियर रिएक्शन बहुत ही कम दिखाई दिया है। माइनर साइड इफेक्ट्स भी 5% बच्चों में ही दिखा है, जैसे कि फीवर और इंजेक्शन साइट पर लाली पर आना या दर्द होना। पीसीवी वैक्सीन अब गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर्स सभी में अवेलेबल है। आप जाके अपने बच्चे के लिए वैक्सीनेशन के लिए बात कर सकते हैं। कोविड के समय में अगर आप अपने बच्चे को न्यूमोकोकल वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो प्लीज कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, जैसे कि मास्क पहने और 2 गज दूरी मेंटेन करें। इसके साथ ही मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।